Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the part of self from chapter 8 of class 8th science NCERT. Okay, so in the part self we will discuss about cell membrane first. So what is cell membrane? So membrane, the word membrane means cover. Then you have to allow, I have to allow you that cell membrane, the meaning of cell membrane is cell cover. The basic components of cell are cell membrane. जो basic component होता है cell का, जैसे एक cell है तो वो बहुत सारी चीज़ों से बना, मिलकर बना है. तो किस किस चीज़ से बना हुआ है? पहला है हमारा cell membrane, दूसरा है हमारा cytoplasm और तीसरा है हमारा nucleus. तो ये तीन चीज़ यानी cell membrane, cytoplasm और nucleus से मिलकर बनता है हमारा पूरा एक cell. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. तो जो cytoplasm होता है, जो nucleus होता है, ठीक है, वो enclosed होता है within the cell membrane, यानी cell, वो cell membrane के अंदर होता है वो, ठीक है. अब आप बोलोगे कि अब cytoplasm क्या होता है, nucleus क्या होता है, हमने देखा नहीं है. तो अभी हम आगे चलेंगे. देखिए plasma, देखिए क्या होता है, ये enclosed का मतलब अंदर होता है. जैसे ये है हमारा एक cell, मैं आपको तीन चार कलर से बनाकर बताती हूँ. जैसे मैं आपको पहले फोटो ही दिखा देती हूँ, रुकिए. या दिस इज़ योर सेल, ठीक है. अब एक सेल को हम लेते हैं पहले यहाँ से, ठीक है. ये सेल को हम लेकर चल रहे हैं. देखिए ये है इसका, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये है इसका सेल वॉल, सॉरी आई मीन सेल मेम्ब्रेन. ये है इसका साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस, ठीक है. ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही सेपरेट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को, ठीक है. और ये जो सेल, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, इससे अंदर होता है हमारे यहाँ न्यूक्लियस और सॉरी ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस. तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल वेर वी आर, सॉरी आई एम सो सॉरी. या तो द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं वो अंदर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं ना, ये वो मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे से, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो यही जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यही सेपरेट करता है, इसे पांच छह सेल है कुछ ऐसे करके, ठीक है. तो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है, यही तो इस सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. तो बस वही चीज़ है यहाँ पे. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही पोरस होता है और अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं पोरस होता है, जो सब्सटेंस को इनवर्ड और आउटवर्ड, इन अंदर और बाहर करने के लिए देता है. ये चीज़ यहाँ पे मूवमेंट अलाउ करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द बाउंड्री ऑफ ओनियन, ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. तो देखिए अब एक ओनियन सेल है यहाँ पे, अब हम इसका जो बाउंड्री होता है ओनियन सेल का, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लांट में, प्लांट के चीज़ में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर से एडिशनल कवरिंग होती है सेल वॉल की, ठीक है. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो बीच में जो राउंड सब्सटेंस है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, यानी ये पार्ट का जो सब्सटेंस होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल. मैं जानना चाहूँगा, ये बुझो बोल रहा है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों प्लांट के सेल को नीड होती है, यानी ज़रूरत होती है सेल वॉल की. यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल. हम लोग ये पहले ही सीख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो गिव करता है, यानी शेप देता है सेल को, ठीक है. साइज नहीं देता, शेप देता है. इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देर इज आर एन आउटर थिक लेयर इन इन द सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल.
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक एडिशनल कवरिंग होता है प्लांट सेल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। द एडिशनल लेयर सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। तो जो एडिशनल लेयर होता है यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से जो एडिशनल कवरिंग यानी जो हमारा सेल वॉल होता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एट्सेट्रा। जो प्लांट सेल होता है, जो प्लांट सेल होते हैं उन्हें यानी ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन के लिए, किस किस चीज़ से, टेम्परेचर हाई हो जाए, टेम्परेचर से बचने के लिए उन्हें ये सेल वॉल की कवरिंग चाहिए, हाई विंड स्पीड हो तो वहाँ पे, एटमोस्फेयरिक मॉइस्चर हो तो क्या ये सब, आई थिंक ये सब चीज़ों से बचने के लिए, ये सारे फिजिकल फैक्टर हैं जिनसे बचने के लिए एक प्लांट को सेल वॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ टेरेडन, या तो जो सेल है ना वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब किस लीफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो लीफ का नाम है ट्राइडस, ट्राइडस कैंटिया, एलोइडा, लोइडा और रिहू। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑन ओनियन। ठीक है, अब देखिए ये सारे कुछ लीफ के यहाँ पे नाम दिए गए हैं जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो सेल को। ठीक है, यहाँ पे है ट्राइडस कैंशिया, एलोइडिया एंड होई, होई बोल सकते हो आप, रिहू बोल सकते हो। यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। ठीक है, आप वैसा ही स्लाइड प्रिपेयर करोगे जो ओनियन में आपने प्रिपेयर किया था, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ बताया भी है। ओके, क्या बताया था कि ओनियन का जो पील उतरता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग कलर यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कलर को ऐड करते हैं, तभी हम उसके सेल को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ओके, सो दिस विल बी कंप्लीटेड। सो वी विल कंप्लीट टुडे द सेल, सेल मेम्ब्रेन, पार्ट्स ऑफ सेल के तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें आज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन कवर किया है। अगले वीडियो में हम साइटोप्लाज्म को भी कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टैप द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और यू हैव एनी प्रॉब्लम और यू नीड एनी अदर सब्जेक्ट वीडियो देन कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी प्रॉब्लम्स दैट कांट यू अंडरस्टैंड इन होम बिकॉज टुडे इज लॉकडाउन, lockdown is going on, so you have to comment me, I have to reply you personally. Thank you.